गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं जा रहा हूँ इस टाइम श्वेता के घर। वो अपने मेरे इन लॉज के पास गई हुई थी, अपने घर गई हुई थी। लास्ट टू लास्ट वीक मैं प्रे गया था, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो भी क्लोज था, तो वहां से भी वापस आना पड़ा। तो फाइनली हमने फिर आज की बुकिंग करवा ली थी वहां की। सो वी हैव बुक्ड अ टेबल फॉर 4, ताकि मैं अपना पिछला वीलॉग कंप्लीट कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है वहां की कि हम वहां पे जाने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। स्लॉट हमारा बुक्ड है 9 PM to 11 PM का। दो स्लॉट्स में बुकिंग होती है वहां पे, एक शाम को इवनिंग में 6:30 PM to 8:30 PM और उसके बाद 9 PM to 11 PM। तो 9 to 11 वाली हमारी बुकिंग है। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं कैसी सिचुएशन है और उसी हिसाब से आगे का प्लान बनाते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम टाइम। हम लोग निकल चुके हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के लिए, प्रे सिस्वा। रिदम और आदि इस बार हमारे साथ नहीं है, रिदम की तबीयत ठीक नहीं तो वो रेस्ट कर रहा है घर पे अपने नाना जी के पास, और हम लोग जा रहे हैं। सो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं सही कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोगों को हम बता सकें कि कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने लायक। सो अभी निकल रहे हैं और फिर पहुंचते हैं जल्दी से। 9 बजे की स्लॉट की बुकिंग है, 9 से अगर 9:15 भी हो गए तो वो लोग हमको एंट्री नहीं करने देंगे। प्लीज बने रहिए हमारे साथ, एक बार वहां पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं आपको प्रे के नजारे कैसा है, क्या है वहां पे, क्या चीज खास है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, सी यू। ये अपने बंदी है यार, मैंने बुला रखे हैं, मैंने कहा आजू जो खाना है, बहुत दिन हो गए तुम्हारे को, यही लगा दे पुलिस, ये कर देंगे वाले पार्किंग पुलिस वाले, बोलो उनको नीचे ये करेंगे ना, चल चलते हैं। ये अपने बंदे हैं, टेंशन नहीं। उस तरीके से जाना है। ओके गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम प्रे। ये है इनकी पार्किंग और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9, तो कुछ यहाँ पे VIPs वगैरह भी आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये पुलिस भी खड़ी है। सो चलो आओ करते हैं एंट्री। ओपन स्पेस में बैठ के डाइनिंग एक्सपीरियंस है। ये अलग अलग जगह सीटिंग का अरेंजमेंट है इनके पास, जैसे कुछ लोग वहां पे बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। सीट रिक्वेस्ट की है, वहाँ पे ना शोर बहुत ज्यादा था, बात ही नहीं कर पा रहे थे, तो अब हमने ये वाली हट मांगी है। सो यहाँ पे अभी अरेंजमेंट हो रहा है थोड़ा सा, फिर हम यहाँ मूव हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक भी कम है, बात भी हो जाएगी। सो यार जब आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ बाहर आओ ना, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत बातचीत होनी भी जरूरी है। सो अभी अगले 2 से 3 मिनट में हमारी सीट चेंज हो जाएगी। और तो बहुत ही ज्यादा मस्त है यहाँ का। वाह, नलके भी पुराने
बहुत ही मस्त थीम है, जंगल थीम में बना रखा वॉशरूम भी। सीन कुछ ऐसा है कि खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, तो अगर मैं आपको एक जेन्युइन फीडबैक दूं तो खाना जो है वो थोड़ा ऑन अ हायर साइड है उसका प्राइस। मतलब अगर आप नॉर्मली कोई भी डिश ऑर्डर करते हैं तो वो अराउंड 750 मिनिमम 800 रुपए से शुरू है, एक बेसिक कोई बेसिक सी चीज़ भी अगर आप मंगाते हैं। अभी ऑर्डर आया ही नहीं है हमारा, तो एक बार ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आपको फिर उसकी क्वालिटी भी बताऊंगा, थोड़ा सा आपको उसके शॉट्स भी दूंगा। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, एक बार अंदर जाके मैं देखता हूँ। मैं बाहर आया था थोड़ा गाड़ी से कुछ सामान लेने, तो अंदर थोड़ी लाइटिंग भी कम है, थोड़ा इन्होंने अपना ऑरा क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी थीम डार्क रखी हुई है, तो वहाँ पर वीडियो की क्लैरिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए स्पेशली फिर मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। बेस्ट फार्मर इन द इंग्लिश बेस्ट टेबल एक्चुअली। हाँ जी, इंग्लिश बेस्ट टेबल सर। अच्छा, इंग्लिश विद द ग्रिल एंड चार ग्रिल। ओके, इसके बाद बेक किया हुआ है मुजल्ला, इसमें यूज नहीं हुई, इसमें फैलो चीज यूज हुई है। अच्छा, ठीक है। ये हमारा कुकुटो फ्लावर है। अच्छा, ये इंडिया का फ्लावर नहीं है। कौन सा वाला? ये सर ये जो कुकुटो फ्लावर है सर, इसका बेस है जो कुकुटो फ्लावर का है। ओके, इधर लाइक इटालियन डबल कुकुटो फ्लावर। अच्छा, नॉट मैदा सर। अच्छा, मैदा नहीं है। ओके, नाइस। इनके पास यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप की भी है, जहाँ पे आके आप लोग अपना थोड़ा सा पढ़ सकते हो कुछ भी, या फिर थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती है ये। ये सब यहाँ की ही साइटिंग्स हैं जो यहाँ पे देखे गए हैं, लेपर्ड्स। Awesome, यार मेरी फोटो क्यों लगा रखी है इन्होंने, म्यूजियम ही बना दिया भाई मेरे नाम पे। कभी कभी आता हूँ मैं, इतनी फोटोज खींच ली है। कोई भी बुक लो और यहाँ पे पढ़ो, टाइम स्पेंड कर लो। इसे क्यों नहीं अलाउड यहाँ पे जाना? ये सर बुकिंग ऊपर होती है ना, प्राइवेट जैसे लोग बुकिंग। अच्छा, प्राइवेट के लिए है ये, तो अभी तो बुक नहीं है। नहीं, अभी बुकिंग है सर, अभी आना है लोगों ने। अच्छा, आना है तो आप ऐसे वीडियो बनाने जाओ, बना ठीक है, अकेले जा सकते हैं। मैं बनाया था। तो ये प्राइवेट लाउंज है, अगर आप लोग अपनी कोई प्राइवेट पार्टी करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप की बुकिंग होगी और ये एरिया आपको मिलेगा। बाउंसर लगा रखे भाई, वो तो जान पहचान थी हमारी, तो आ गए अंदर, सुन लिया होगा आपने वीडियो में, हाथ जोड़ के आए हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून।
कल मैंने एक वीलॉग बनाया था जो कि था प्रे का, सिसवा डैम में है, जो रात को काफी लेट हो गए थे तो खत्म नहीं कर पाया था वीलॉग। तो वीलॉग में आप लोगों ने जो भी कुछ देखा प्रे में, उससे काफी और भी ज्यादा चीजें हैं जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है यार, और मस्ट विजिट प्लेस है, आप लोग एक बार तो जरूर जाके आओ। खाना भी बहुत सही है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, और वहां का जो मेंटेनेंस है बहुत ही अच्छा है। जो भी आपको सर्विसेज वेटर दे रहे हैं, वेटर्स भी बहुत अच्छे से हाइजीनिक ढंग से आपको सर्विसेज देंगे। तो यही आपको बताना था कि एक बार जरूर जाके आओ, बहुत बढ़िया जगह है। कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एक जेन्युइन फीडबैक है जो मैंने फील किया वहां पे जाके। चंडीगढ़ से लगभग 20 से 25 मिनट या आधा घंटा आपको लगेगा वहां पहुंचने में, और उसके आसपास और भी दो चार जगह हैं जो आप घूम सकते हो। तो एक मतलब सेम डे ट्रिप आपका जो वीकेंड का है, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वहां पे जाके एंजॉय करके आ सकते हो। ठीक है गाइस, सो बने रहिए ऐसी देते रहिए अपना प्यार। कमेंट्स करके जरूर बताया करो कि कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। आने वाले वीलॉग्स और भी अच्छे होने वाले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।